विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ घोटाला शीट जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार और वादे पूरे करने में विफलता के कई गंभीर आरोप लगाए। भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में आरोप पत्र जारी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि शिवराज अब ठगराज हो गए। आज मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। कांग्रेस के इस घोटाला शीट में जिन प्रमुख घोटालों का जिक्र किया गया है उसमें 15,000 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला, 12,000 करोड़ रुपए का मिड डे मील घोटाला, 9,500 करोड़ रुपए का आंगनवाड़ी नलजल घोटाला, 600 करोड़ का गणवेश घोटाला से लेकर 50,000 करोड़ रुपए का चेक पोस्ट घोटाला शामिल है। कांग्रेस ने इस घोटाला शीट को शिवराज सरकार में हुए घोटाले की पोल खोलने वाला अभियान बताया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब आप गूगल पर घोटाला सर्च करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज की तस्वीर आएगी। के मिश्रा ने कहा कि शिवराज सरकार के घोटाले की पोल खोलने वाले अभियान से जुड़ने के लिए 9593420420 पर मिस कॉल करें। आज हमारे यशस्वी नेता पार्टी कमलनाथ जी 18 सालों की एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को समर्पित कर रहे हैं और यह आरोप पत्र उस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेनकाब करने के लिए आईना होगा जिसे हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान आज प्रचार भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह चौहान जब लोकसभा के सदस्य थे तो मैं संसद में उन्हें बहुत प्यार से शिवराज कहकर पुकारता था, लेकिन आज वे ठगराज बन गए हैं। उन्होंने सबको ठगा है, किसानों को ठगा, मजदूरों को ठगा, युवाओं को ठगा, बेरोजगारों को ठगा, शासकीय कर्मचारियों को ठगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने गौ माता और भगवान महाकाल तक को नहीं छोड़ा। प्रदेश का हर व्यक्ति आज या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे, आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए, जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। बच्चा हो बुजुर्ग हो ठगा गया, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा, आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा, और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये छिपी बात नहीं है, भ्रष्टाचार के गवाह है जो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है, और यही सबसे बड़ी मैं सोचता हूं आज कलंक मध्य प्रदेश पर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की पहचान बदलना चाहता था, प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार मिलावट और माफिया से नहीं होना चाहिए। आज निवेश मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आता, निवेश को डिमांड नहीं आकर्षित करना पड़ता है। हमारे प्रदेश पर सबसे भ्रष्ट प्रदेश होने का लेवल लगा है, तो क्या इससे निवेश आएगा? मुझे बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ ने कहा कि माफ कीजिए, आपके यहाँ तो कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। आज ये गंभीर विषय पर मेरा आखिरी निवेदन आपसे है, इसकी गंभीरता को आप डाइल्यूट मत करिए, प्रश्नकाल में भी डाइल्यूट मत करिएगा, राजनीतिक मुद्दों पर चल पड़ेंगे। हमारा ये मुद्दा जो है जिससे आज पूरा प्रदेश पीड़ित है, ये असली मुद्दा है प्रदेश का, और यही मुद्दा है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता आपके प्रदेश में। एक इमेज पर निवेश आता है, इन्वेस्टमेंट मैंने हमेशा कहा डिमांड नहीं करा जा सकता, अट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या हम भ्रष्टाचार से अट्रैक्ट करेंगे? हमारे प्रदेश पर अगर सबसे भ्रष्ट प्रदेश का लेबल लगाए तो क्या
या निवेश आएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।